हेलो फ्रेंड्स, आज हम 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर देखेंगे। ओके, देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस प्रख्यात गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो इनका नाम है कांजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री जी, जिनका निधन हो गया है। डिटेल देखते हैं। प्रख्यात गणितज्ञ का हाल ही में 19 जुलाई को चेन्नई में निधन हो गया है। बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें 2009 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है फ्रेंड्स शेषाद्री जी की इमेज, जो प्रसिद्ध बीजगणितीय ज्यामिति गणितज्ञ थे। देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस देश द्वारा मंगल अभियान प्रक्षेपित किया गया है? तो यह मंगल अभियान प्रक्षेपित चीन देश द्वारा किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। चीन ने मंगल अभियान के तहत पहला यान तियानवेन वन किया गया है। पिछले साल चीन ने 2011 में रूस के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर यान भेजने की असफल कोशिश की थी। यही यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। भारत ने 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचकर इतिहास में सर्वप्रथम स्थान ग्रहण कर इतिहास रच दिया था। यह है फ्रेंड्स मंगलयान की इमेज। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं चीन के बारे में डिटेल। राजधानी इसकी है बीजिंग, राष्ट्रपति है श्री जिनपिंग, मुद्रा है युआन। ये चीन की डिटेल थी जिसने मंगलयान जो है तियानवेन फर्स्ट प्रक्षेपित किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए क्या समझौता किया है? देखते हैं इसकी डिटेल। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। किसके साथ मिलकर? मालदीव के साथ। DRDO ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है? तो DRDO ने ध्रुवास्त्र स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित नाग मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है। इसे अब ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम दिया गया है। मिसाइल को मशीनीकृत पैदल सेना और भारतीय सेना के हवाई बलों दोनों के समर्थन के लिए, मतलब जो भारतीय सेना है और हवाई बल, उन दोनों के समर्थन के लिए विकसित किया गया है और इसे वायु और भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जो है गुलबेनकियन पुरस्कार, यह ग्रेटा थुनबर्ग ने जीता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसने इनका नाम पहली बार सुना होगा। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स देखते हैं। जुलाई 2020 में श्वेतिस जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1.15 मिलियन डॉलर की राशि धनराशि प्राप्त होगी।
जिसे वह धर्मांतर परियोजनाओं के लिए दान करेंगी। ग्रेटा थुनबर्ग को वर्ष 2019 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। ये है ग्रेटा थुनबर्ग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन्हें NMDC का नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो NMDC का नया अध्यक्ष एवं CEO सुमित देव को नियुक्त किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। NMDC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहते हैं। देव NMDC के CMD के रूप में एन विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। यह है, ये जो इमेज देख रहे हैं ये है, ठीक है, यह है NMDC का लोगो, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिकस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है ब्रिकस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में, ठीक है। देखते हैं इसकी डिटेल। फ्रेंड्स, ये है साहिल सेठ, ओके। इसकी डिटेल में जुलाई 2020 में मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिकस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिकस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक संगठन है जो ब्रिकस देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। किसके? ब्रिकस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो ये मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ओडिशा समुदाय, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, उसको शामिल किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स देखते हैं। इस योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो अदालतों में तलाक के मुकदमे के लड़ रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, मतलब जो बुज़ुर्ग जो किसी पर आश्रित नहीं हैं, वो मतलब उनको किसी चीज़ का वो किसी पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है, और अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अब देखते हैं ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, इसमें लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 हैं। ओडिशा में ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभयारण्य, गहरमाथा कछुआ अभयारण्य इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखते हैं इसके प्रमुख बांध। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, इंद्रवती बांध जो इंद्रवती नदी पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये करंट अफेयर इधर ही फिनिश होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो, मतलब जो करंट अफेयर्स में डालती हूँ, अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएगी कि आपको मेरा ये करंट अफेयर कैसा लगा, ओके?